हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सरस्वती पूजा 2019 इस बार 10 फरवरी को पड़ रही है। बसंत पंचमी के दिन यानी माँ सरस्वती के पूजन के दिन बच्चों का यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप सरस्वती के दिन आप ये उपाय उनको जरूर करें, निश्चित रूप से बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए ताकि बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगे। जो बच्चे आपके घर में कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, उनको इस दिन इन उपायों को जरूर कराएं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वे छात्र जो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर होते हैं, अगर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करें तो उन पर विशेष कृपा होती है। छात्र इस दिन अपनी किताब, कॉपी और कलम की भी पूजा जरूर करें। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्यौहार इस बार 10 फरवरी के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन विद्या और बुद्धि की देवी माने जाने वाली माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माँ सरस्वती की पूजा इस दिन जो बच्चे करते हैं उन पर माँ की कृपा बनी रहती है, उनकी बुद्धि तेज होती है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की आराधना बच्चों को जरूर करनी चाहिए। वे छात्र जिनका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, अगर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करें, उनकी वंदना पूरी पढ़ें, तो उनका विशेषकर पढ़ाई में मन लगने लगता है। छात्र इस दिन अपनी किताब, कॉपी और कलम की भी पूजा जरूर करें। पुराने जमाने में बसंत पंचमी के दिन ही बच्चों की शिक्षा आरम्भ करवाई जाती थी, यह परंपरा आज भी जीवित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए पीला या सफेद कपड़ा धारण करना चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती को पीले और सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, वे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन्हें बसंत पंचमी के दिन ये उपाय जरूर करने चाहिए। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता उनको माँ सरस्वती के दिन हरे रंग का फल जरूर चढ़ाना चाहिए। दूसरा उपाय, इसके अलावा घर में पढ़ाई के कमरे में माँ सरस्वती का चित्र लगाना चाहिए। इससे पढ़ाई का ध्यान टिका रहता है। बच्चे को अगर ज्ञानी बनना है तो इस दिन उसके जीभ पर शहद से ओम बनाएं। यदि बच्चे अपनी किताब पर पीले रंग का कवर चढ़ाकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं तो उनका कल्याण होता है। सरस्वती वाले दिन यानी बसंत पंचमी वाले दिन इस दिन पूजा करने के दौरान केवल माँ सरस्वती की ही नहीं बल्कि साथ ही श्री गणेश की मूर्ति की भी पूजा जरूर करें। पूजा करते वक्त माँ सरस्वती के सामने माँ बाप बच्चों को गोद में बिठाएं और फिर उनके हाथ से भगवान गणेश को फूल अर्पित कर अक्षर का अभ्यास करवाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इसे सरस्वती के प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन उन्हें खीर और मेवे जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि पढ़ाई में यदि आप सफलता चाहते हैं तो विद्यार्थियों को कौन कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।